अब उसमें क्या है कि सुबह डॉक्टर का कराया भाई, यूरिन मेरे को कम आ रहा था उसके बारे में। डॉक्टर राउंड आया तो बस उससे ये पूछा कि प्रॉब्लम क्यों है। आप बिल्कुल देना चाह रहा हूँ मैं भाई, मैं अभी यूरोलॉजी है ना हॉस्पिटल 74 की है जी, ऐसी स्थिति में डॉक्टर जिस तरह से हमारे पास साथ पेश करेगा क्या स्थिति होगी हमारी। मेरे यूरिन की प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर को घर जाके दिखाया, बात हुई सब प्रेम से। सब कौन से डॉक्टर को दिखाया? मतलब कौन से डॉक्टर साहब हैं? रोहित अजमेरा। रोहित अजमेरा जी, उनको दिखाया, उनको दिखा करके कहा भाई आप एडमिट हो जाओ, हम कर दें, हो जाएगा ठीक है, हो जाएगा। परसों हम एडमिट हुए, एडमिट भी हो गए, सब कुछ हो गया, वहाँ टेस्ट भी करवा लिए, परसों क्या परसों से पहले ही एडमिट किया गया था, फिर घर भेज दिया, बोले कोई बात नहीं, बोला ऑपरेशन हो गया जब आ जाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर ऑपरेशन के दिन ही आए तो यहाँ ऑपरेशन हुआ, हम कुछ नहीं बोले, ऑपरेशन होना ही था। ऑपरेशन होना क्या है, ये नली लगानी, सिर्फ ये नली लगानी है, नले लगानी है। तो नली लगाने के बाद में यूरिन आपको थैली में जाएगा या बेड पे निकलेगा, ये आप बताओ। नली में जाना चाहिए, नली में नहीं गया, बेड पे गया, और बेड में मेरे कपड़े सारे भीगते ही रहे, शाम तक हुआ। शाम को मतलब यहाँ जो अटेंडेंस डॉक्टर है उनको बुलाया, उनको बुलाने के बाद भी बताया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, तो बोले डॉक्टर साहब ही करेंगे ये और कोई नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैंने कल शाम को बच्चों को डॉक्टर साहब के घर भेजा, डॉक्टर साहब ने वहाँ बात नहीं करी कि कल आएंगे जब देखेंगे, यही मैसेज मिली। फिर यहाँ आए तो यहाँ नर्स को बताया हमने, कल शाम को नर्स जो थी, नर्स को बताया कि देखो मैडम ये प्रॉब्लम है, यूरिन जो आ रहा है निकल करके बाहर जा रहा है, इंद्री से बाहर जा रहा है, तो नेचुरली नली सही लगी हुई नहीं है जिसके लिए बाहर जा रहा है। लेकिन कि ना वो तो डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि मैं आऊँगा जब देखूँगा, उनने डॉक्टर साहब से भी बात करी अजमेरा जी से, लेकिन बात करने के बाद में भी कोई रिपोर्ट आई नहीं। अभी सुबह आए तो सुबह मैंने कहा डॉक्टर साहब को दिखा देंगे, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन की साइड में जा रहे थे, तो मैंने एक बार दिखाने के लिए, मेरा फ़र्ज होता है मैं दिखाऊंगा ही, मेरी बीमारी मेरे को निकलवानी है, और डॉक्टर है तो गवर्नमेंट का डॉक्टर है, किसी के घर का नहीं है, और ये कोई मतलब नहीं है कि इस तरह का जवाब देकर मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखता, मैं बात ही नहीं करता। अरे मैंने कहा मेरे प्रॉब्लम है साहब, मेरी ठीक नहीं हुआ है और मेरी दिक्कत है, नहीं देखता मैं। फिर आकर के मेरे को दो चार भजन और सुना दिए बहुत, और डिस्चार्ज कर दिया गया डॉक्टर साहब ने। हाँ, क्या नाम है डॉक्टर साहब का, क्या नाम था आपने? रोहित अजमेरा जी। मतलब उन्होंने पूरा प्रॉपर आपको रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, और आपका जो भेजने का है वो भी नहीं करा है। हाँ हाँ, और डिस्चार्ज भी कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया, अब डिस्चार्ज होकर के मैं अब घर जा रहा हूँ। ये पोजीशन मेरे साथ में यहाँ डॉक्टर में हॉस्पिटल में आ रही है, क्या डॉक्टर, मैंने कहा कि ये कोई सर्वेंट है गवर्नमेंट के या क्या है, ये पब्लिक के लिए है तो पब्लिक को देखना चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए। आपका नाम बताएं? मेरा नाम रामलाल राव है। कहाँ से हैं आप? मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, और बैंक कॉलोनी नाका मदार में रहता हूँ, और सिटीजन काउंसिल का मेंबर भी हूँ मैं। दे दो भाई, जो यूरिन का जो आता है ना वो भी दे दो। अभी हमने दिखाना हमारा फर्ज है भाई दिखाने का, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, और हमारा स्वास्थ्य अगर डॉक्टर ही ठीक नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इनका टेलीफोन नंबर भी आ गया आपके पास? हाँ ठीक है, थैंक यू। लो आपने अभी बात करी थी पहले? अच्छा, थैंक यू बेटा। ये बात है मेरे साथ में, देखो गवर्नमेंट के साथ में। सर मैं श्री रामलाल जी का बेटा हूँ, और इनको थोड़ा यूरिन की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर साहब को दिखाया था पहले घर पे, तो घर पे जब दिखाया तो इन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छे से बात भी करी थी, और इन्होंने एक्सरे सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाने के कहने के लिए कहा था कि करानी है, तो वो हमने रिपोर्ट सारी या हॉस्पिटल के जरिए हमने सारी टेस्ट भी करवाए थे। टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना होगा। तो सर कल सुबह ही ऑपरेशन हुआ, कल ओटी में टाइम था, कल ओटी का टाइम में इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में इनका जो है टॉयलेट में जो इंद्री में जो नली लगी है कि नली लगी है जिससे टॉयलेट एक थैली में जाता है, लेकिन कल यहाँ जो ऑपरेशन के बाद में उस थैली से वो टॉयलेट थैली में नहीं जा रहा था और बाहर गिरेगा।
और इससे सारे कपड़े बेड वगैरह सब गीला हो चुका था। इस दरमियान हमने डॉक्टर में जो अपना नर्सिंग स्टाफ जो था उस समय घटनाएं वारदात पर उस पर हमने उनको बताया भी, लेकिन उन्होंने इसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ये कहा कि हम डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर साहब देखेंगे इस चीज़ को और डॉक्टर साहब ही कर पाए। रात को हमने फिर नर्स को बताया कि सुबह ये हमारे साथ रात को फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो नर्स ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है और वो सुबह आके खुद देखेंगे। अच्छा, सुबह जब हेड कंपाउंडर आए, जो कंपाउंडर के सुपरविजन थे दिलीप जी, उनको भी हमने बताया तो उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, भाई ये प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब आने के बाद में ओटी में जाने लगे, तो मैंने रास्ते में सर एक्सक्यूज मी सर पर रेस्पेक्टफुली बात पूछी कि भाई मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, तो मैंने सिर्फ एक्सक्यूज मी सर कहा और सर का ये हुआ कि वो इतने बिगड़ पड़े कि कौन होते हो तुम, कौन है, इनको बाहर क्यों नहीं निकाला, इनको बाहर निकालो। मैं अपने पिताजी को साथ लेके गया, भाई सर इनकी कुछ प्रॉब्लम, तो मेरा बोलने का तो सुनने का सवाल ही नहीं है, वो सुने और बस गरज पड़े बरस पड़े कि कौन है, कौन है ये पागल आदमी, इसको बाहर निकालो, ऐसे करो। ये ना तो पिताजी से रेस्पेक्टफुली बात करी, ना मेरे को रेस्पेक्टफुली कोई जवाब दिया और मैं बस इनके मिन्नतें करता रहा। इन्होंने हमें डिस्चार्ज टिकट बना के और ये यहाँ से बाहर निकाल। ताकि आप किसी से शिकायत करेंगे या किसी से घर ही चले जाएंगे? शिकायत क्या सर, आप ये देखो अगर हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है एक आम आदमी के साथ में, तो गरीबों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। हम तो अजमेर से आए, लोग तो बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, वो यहाँ आके अगर इस तरह का बिहेव मिलता है डॉक्टर से, ये पब्लिक के लिए क्या सही है? आपका नाम? मैं हरेंद्र। ऑपरेशन के लिए बैठे हुए हैं लोग, उनके पास में दवाइयां तैयार होंगी। इनके साथ में भी ये प्रॉब्लम सब पार से, आप इनसे स्टेटमेंट लेना चाहें तो इनसे भी ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट की मतलब नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट की दवाई यूज नहीं होती, ये पोजीशन पिताजी का ये ऑपरेशन हुआ यूरोलॉजी में, तो सारी मैंने भामाशाह गार्ड भी अप्लाई किया था वहाँ पे, तो भामाशाह इन्होंने इन्होंने बोला, इन्होंने वहाँ से बोला कि वहाँ पे टीडीआई नंबर होता है कुछ, तो वो दिया नहीं, तो और यहाँ मतलब अपने स्तर पे कर लिया इन्होंने जो भी करना था, कुछ पूछा भी नहीं कि क्या है भामाशाह में। तो मैं पूछता रहा कि सर ये दवाई तो भामाशाह में फ्री मिलती होगी, तो बोला कि ये यहाँ बाहर से मिलेगी दवाई, बाहर से भामाशाह में फ्री नहीं। और जब तक मेरे को बताया नहीं गया कि आपका ऑनलाइन हो चुका या नहीं हो चुका, मेरे को ये जानकारी नहीं मिली, तो हम किस कहाँ जाए, किसको बताए फिर ये। तो मैं अभी 250 रुपये की जांच बाहर से करवाई है फिर, और रोज़ 430 रुपये के इंजेक्शन आते हैं सुबह शाम, और उसके अलावा अभी मैं 1500 रुपये का कल दवाइयाँ लेके आया हूँ, और 3690 रुपये का कल ऑपरेशन का सामान लिया हूँ भामाशाह कार्ड होते हुए भी मेरे पास। मेरा नाम कुछ यहाँ का स्टाफ कुछ रिप्लाई नहीं देता है, पूछते तो चिढ़ते हैं कि ये नहीं मिलती है दवाई, बाहर जाओ बाहर से लाओ, बाहर जाओ बाहर से लाओ, ये रिप्लाई मिलता है। जबकि ऑपरेशन और इसके लिए तो हॉस्पिटल खुद जिम्मेदार होता है दवाइयाँ अवेलेबल करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, और भामाशाह कार्ड के अंदर बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा तो भी भामाशाह कार्ड के थ्रू ही उनको पेमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ भामाशाह कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। या यहाँ की कोई कमीशन चलता है?